हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पपाया सूप। तो जो पपाया होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी और ए होता है, और पपेन होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, और ये स्किन पोर्स को साफ़ करता है और स्किन को शाइनी चमकदार बनाता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पपाया पका पपीता ले लिया है, उसको मैंने मैश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और इसको मैं छान ले रही हूँ। इसका मुझे जूस चाहिए तो मैं ऐसे इसका जूस निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका थोड़ा सा जूस ले लिया है। अब मुझे एक साबुन चाहिए, तो कोई भी आप सोप बेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पियर सोप लिया है क्योंकि इसमें 98% ग्लिसरीन होता है। अगर आप चाहें तो और कोई साबुन में थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। अब इस सोप को आप कद्दूकस कर लीजिए, या देखिए मैंने इसको एक पीलर से पील कर लिया है जिससे ये लेयर्स में कट जाता है और जल्दी से मेल्ट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पपीते से हमारी स्किन की जो झुर्रियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, और स्किन में जो कालापन है वो भी दूर होता है, यंग होती है, पिंपल्स भी दूर होते हैं, और इम्प्योरिटीज़ एंड डेड सेल हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने आधा स्पीयर सोप के लगभग ले लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है जिससे ये हमारे स्किन को और भी ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगा और विंटर्स में अच्छा काम करेगा। अब ये देखिए, मैंने इसमें लिया है जो मैंने पपाया जूस लिया था उसको मैंने सारा ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें लिया है 1 टीस्पून लेमन जूस। ये हमारे स्किन से ऑयल कंट्रोल करेगा और ब्लैकनेस और डार्कनेस की जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा। अब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। पपाया हमारी स्किन में जो मेलानिन होता है उसको कंट्रोल करता है, और जो समय से पहले झुर्रियाँ होती हैं उसको भी दूर करता है। अब ये देखिए, मैंने एक मोल्ड ले लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था जिससे मेरा सोप बाद में निकल आए। तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट से बहुत महंगे महंगे एक्सफोलिएट्स खरीदते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और हर कोई ख़रीद नहीं सकता है। तो आप इस पपाया सोप से वो सारी चीज़ ले सकते हैं, वो सारा फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब ये देखिए, मेरा सोप बिल्कुल तैयार हो गया है और ये सूख गया है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा सोप बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा सोप का वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।